नहीं मानते। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में कहीं भी शूद्र शब्द का जिक्र नहीं किया, तो कैसे वो अपने को कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। जब ये लोग सत्ता पर रहते हैं तब ये लोग अपने को ना शूद्र बताते हैं ना ये चौपाई को पढ़ते हैं, सत्ता से बाहर आकर फिर अनगल बयानबाजी करते हैं। गोंडा के कनेलगंज क्षेत्र के गौरा सिंहपुर गांव में ओम प्रकाश राजभर ने मंच से कहा कि रामकृष्ण की धरती पर शराब बंद होना चाहिए। योगी बाबा आप तो महात्मा हैं, शराब तो पीते नहीं हो भाई, फिर दूसरों को क्यों पिलाते हो, बंद कराओ इसको। इसको बिहार में कैसे बंद हो गया? अगर वो बंद हो सकता है तो यूपी में शराब बंद होना चाहिए। इस बात की लड़ाई सदन तक लड़ूंगा और पूछूंगा कि बाबा जब तुम शराब नहीं पीते तो क्यों गरीबों को पिला रहे हो। ओम प्रकाश राजभर आज गोंडा जिले के कनेलगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। गोंडा से भूपेंद्र तिवारी। क्या कार्यक्रम था? कि भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है, उसी में आज हम लोग माननीय बेदी राम विधायक जखनिया और मैं, हमारे नेता अमरमणि कश्यप और राजेश सिंह, इन दोनों लोगों ने इधर बुलाया था तो उसी में हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश दुर्बल समिट चल रहा है इस समय, तो इसमें जो विकास कार्य होगा, पैसे आ रहे हैं, उद्योगपति इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में कितना विकास होगा? देखिए, इसका श्रेय तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को जाता है। जो सरकार रहती है वो यह काम करती है, इन्वेस्टर समिट का काम आयोजन सरकार करती है, विपक्ष नहीं करता है, तो जो करता है उसी को श्रेय जाता है ना। 2024 चुनाव से पहले रामचरित मानस को लिए विवाद चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं शुद्ध हूँ, क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो नहीं लगता है कि वो शूद्र हैं, वो पहले इंसान हैं, वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विधायक बनने के बाद शपथ लिया कि संविधान के दायरे में हम प्रदेश की सुरक्षा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में कहीं शूद्र शब्द का जिक्र नहीं किया है, तो कैसे वो अपने को कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं? रामचरितमानस की दोहे को तूल दिया जा रहा है। देखिए, वो कब की चौपाई है अभी पता नहीं, उन लोगों को कब कहाँ उस चौपाई की बात की गई थी। जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तब ये लोग अपने को न शूद्र बताते हैं न ये उस चौपाई को पढ़ते हैं, सत्ता से बाहर आकर के फिर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति साफ है, अब इस इलाके की समस्या है जो आवारा पशुओं का, छुट्टा पशुओं का है, एक ये समस्या है, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का सवाल है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का सवाल है, गरीबों का इलाज फ्री का सवाल है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के सदन में लड़ाई होगी। राम और कृष्ण की धरती पर भी शराब बंद होना चाहिए। योगी बाबा या तो महात्मा या तो आपको पीते नहीं हो भाई, है ना, क्यों दूसरे को पिलाते हो भाई? बंद कराओ इसको, बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? ये आप लोग यहाँ उठाओ तो लखनऊ दिल्ली लोग सब पिया था यार, ये नेता काहे बदले शराब बंद करा बता? अरे बगलिया में कैसे बंद थे, बिहार में कैसे बंद हो गई? अगर वहां बंद हो सका ना तो यूपी में भी शराब बंद हुए के चाहिए। और ये बात का लड़ाई 20 तारीख से सदन चलत, एदवा पर इस सदन में यह कुल लड़क। अब पूछा कि बाबा बोला जब तू ना पिया तो का भाई, नहीं कहे गरीबन के पियावत तुम्हारा मर्दे बन का सही रही कि ना सही रही? नहीं रही। अब आगे हम का चाह दी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, उनसे सवाल पूछना कि जब नेता बिजली के बिल के माफी पर संघर्ष कर रहा था तूने विरोध क्यों किया? विरोध क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? गरीबों का हित चाहते हो, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ सदन के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये सोच लेना ओम प्रकाश राजभर सदन में तेरी बकिया उधर के रखूंगा। नहीं कायदे से हमारी लड़ाई बहुत साफ साफ हो, ये दोनों बात सही हो कि गलत? ये जो नवारा पशु वाला है बिजली वाला सही हो ना? अब तीसर बात चला, तीसर काम हमारे का कहा हो देखा, हम जहाँ से विधायक भाई गाजीपुर जहूराबाद, मानी बेदी राम जी विधायक है जखनिया गाजीपुर, हम जहाँ से विधायक है लगभग 6 साल के अंदर 10 करोड़ रुपया लगभग